सभी का किचन और यहाँ पर बन रहा है मिनी चिकन बर्गर। अभी वो उनसे पूछते हैं कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, और अब आपको बाहर जाके बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में ही ज़बरदस्त जो है वो बर्गर बनने वाला है। कौन बना रहे हैं? शेफ सारा माई दमन। एक बार फिर बहुत मज़े के खाने बनाती इसलिए मैं इसको बार बार बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सारा जी? है भी अगर वो लड़की कसम से मेरे से भी ज्यादा ये पतली दुबली सी है। चलो जी खुश रहो। आज कौन सी रेसिपी क्या है? आज है क्रिस्पी चिकन बर्गर। अच्छा क्रिस्पी चिकन बर्गर, ओके गुड। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा होगा? जी क्रिस्पी सा होगा। चलिए जी इसके इंग्रेडिएंट्स बता दो चंदा। सबसे पहले होगी जो हम चिकन लेंगे उसके बोनलेस पीसेस लेने, ठीक है okay. उसको मशीन में डालें, उसमें गार्लिक चॉप डालें, ठीक है, और ओरिगानो डालें, पार्सले वगैरह आप डालें, थाइम डालें, करो फ्रैपन को ओके। ये इन्होंने बनाया है, अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से डाले हैं? ठीक है, इन्होंने चिकन लिया है, उसका कीमा मतलब मशीन से कर लिया, अब इसमें क्या डाला? लहसुन का लहसुन डाला है, ठीक है, नमक डाला है, व्हाइट पेपर डाला है, सोया सॉस डाला है। ये जो चीजें बता रही हैं अब आराम आराम से ये बताएं क्या कहते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ठीक है, व्हाइट पेपर है, ओके, थाइम है, और ओरिगानो भी आप ले सकते हैं, सोया सॉस हो गया, ओके, और अपने फ्लेवर के लिए आप अगर चिलीज डालना चाहें इसमें जिनको। अच्छा चंद इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्होंने थाइम डाला है और ब्लैक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, दखनी मिर्चें डाली है और लहसुन पेस्ट डाला है और सोया सॉस डाला है, ये सोया सॉस डाला, हसबे जायका नमक ऐड किया है, एंड देन इसके बाद इसमें ब्रेड डाला है, और वरना तो ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं के लिए, ओके नेक्स्ट वन, और अपने फ्लेवर के लिए आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं थोड़ी सी, हाँ ताकि थोड़ा सा कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्च जो आपको पसंद है, नेक्स्ट और क्या है? वरना तो पेपरिका डाल लें आप अपने अपने फ्लेवर टेस्ट बर्ड के हिसाब से आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। व्हाइट पेपर से भी काफी स्पाइस आ सकता है, दैट्स वो फायदेमंद है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर? उसके बाद बस हमने ये कम्बाइन कर दिया, उसके बाद हम जब इसकी कोटिंग करेंगे शेप देने के बाद इस तरीके से, देखें आप मर्जी है जो शेप जो बर्गर पेटीज का होता है, मैं यहाँ बना के लाई हूँ। अच्छा ये इन्होंने एक शेप दिया है, दैट्स गुड, ये शेप है, उस पे मैंने क्या किया है, पहले कॉर्नफ्लावर से इसको कोट कर दिया, इधर इधर दो इसके ऊपर रख दो, यस, कॉर्नफ्लावर से कोट किया है, फिर एग पे कोट किया, उसके बाद ब्रेड क्रम लगा दिया और उसको फ्रीज कर दें ताकि इसका शेप अच्छे से प्रॉपर आ जाए। अच्छा हनी ऐसा हो सकता है कि ये तो जब हम फ्राई कर रहे होंगे इसको आप करके दिखा दें, ठीक है, चलिए जब हम फ्राई पैन को रखते हैं वो फिर विस्क करके पूरा बनाना पड़ेगा, पहले एक फ्राई कर लेते हैं ना उसके बाद, ठीक है, जैसा हो सकता है क्योंकि लाइव शो है सबको नाज़िम मालूम है कि जी ये इसीलिए इन्होंने किया था कि ज़रा सा क्रिस्पी जो बोल रही हैं वो कह रही हैं वो वैसा प्रेजेंट हो जाए। सबसे पहले हमने फ्रैपन में थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ये भी अच्छी बात है वरना लोग इतना ज़्यादा डीप फ्राई भी चीज़ ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, ओके। ये बर्गर बन रहा है, एक हम आपको बनाना सिखा रहे हैं और ये फ्राई करेंगे, और सारा आपने नेक्स्ट हमने जो कह रहे थे इसमें सेसमे सीड भी लगाए मैंने ब्रेड क्रम के साथ ताकि इसका फ्लेवर और जो ना जबरदस्त प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है, फिर खाने में भी अच्छा। अगर हम इसको भी बनाएं तो क्या क्या सबसे पहले होगा? हमें एग विस्क करना पड़ेगा, ये ले आप, ओके, क्योंकि सब चीजें तो उसमें डली हुई है ना, सिर्फ हमने वो करना, ओके, इसको यूज करना है आपने? जी मैं ओके से बिस्मिल्लाह आप इसको कर लीजिए, ओके, यस, इसके ऊपर सबसे पहले एग निकाल दिया, गुड, यस, ये बात देखिए सारा इज अ गुड शेफ, ये फोर्क इससे कर लो, मैं एक लो, ओके ये लीजिए, ओके नाजरीन, यस ओके। अच्छा फ्राई पैन में हम इसको कितनी देर हीटअप हो गया इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं? जी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लो फ्लेम पे ही हो तो। अब ये अपने हाथों से डालो, यस, अरे इन्होंने पता है क्यों पहले से सब कुछ किया हुआ ताकि वो एक अच्छा इसका रिजल्ट आ जाए, दैट्स गुड। अच्छा इसकी आप शेप देनी कुछ? जी ओके, यस ओके, दैट्स गुड। ये जो है इसको शेप ऑलरेडी दिया हुआ है, हल्का सा आपको इस तरीके से करना है, प्रेस कर दिया थोड़ा सा जी। भाई आप लोग घर में भी बर्गर क्या कहते हो क्रिस्पी चिकन बर्गर बना सकते हैं, ये बच्चों को लंच में दें, शाम में दें, किसी भी टाइम पे, ओके। सबसे पहले हमने इसको कोट किया, इस पे कोट कर लिया, डन हो गया, यस, बहुत जबरदस्त, ओह माय गॉड, लुक लाइक जबरदस्त, अच्छे से आपको प्रॉपर पूरी कोटिंग कर लेनी है, ओके ठीक ठीक ठीक, कवर उसके बाद हमने इसको एक बार टिप में ओके
अच्छे से ठीक कोट करते हैं। क्या चाहिए आपको? ओके जैसे करना है इसके ऊपर लगाना, इसको कब वो कर दो ना, टर्न कर लो, टर्न कर लो। अगर मुझसे टूट गया तो माजरत। अच्छा इन्होंने कहा अच्छी तरह इसको कोट कर लिया, डन। अब इसको इसके ब्रेड क्रम्स में करना। रुक जाओ मैं एक मिनट इसको कर देती हूँ। उठाओ उठाओ इससे उठाओ इससे उठाओ। यस कब इससे कोटिंग भी हो गई। पहले इसका जितना भी एग का वो है ना सारा एक्सेस हम उसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ओके अब हम डालेंगे इसे टिप पर। ओके देखो देखो आ जाओ। अब आप कर लो, अब आप कर लो ठीक है। अपने हाथों को जरा सा क्लीन करके इसे यस इस तरीके से ताकि एग टोटल कवर कर जी। ओके लाओ मुझे तो। ओके दैट्स गुड, इट्स ओके। अच्छा उसको जरा देख लेना चंदा जी, जी। ये ना हो कि वो ये लो ये स्पून लो, ये ना हो कि पता चले हम एक काम कर रहे हैं और दूसरा। ओके ये फ्लेम ना मैं बहुत स्लो करनी है। उस साइड पे रखो फ्लेम पर, उस साइड रखो। ओके ये हमें फ्लेम बहुत ही स्लो करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्लो। ओके ठीक है दैट्स गुड, बस इतनी सही है जी। ठीक है जी, जब तक हम दूसरा एक और एक है वो भी फ्राई कर दो। अच्छा ठीक है हम एक और भी डाल लेते हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा वो कच्चा रह जाएगा। ओके 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 ठीक है चंदा ठीक, हम इसका। अच्छा नेक्स्ट भी हमारे पास बिल्कुल कोटिंग ये है रेडी ठीक है जी। ये जब हम लोग तरीके से हमारी रेडी हो गई, आप ये देख सकते हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने पहले से प्रेजेंटेशन भी रेडी की हुई है और बहुत जल्दी। अच्छा उसके बाद का स्टेप क्या चंदा? अब इसके बाद हमें इसकी ये जो पैटी है okay. इसको हम थोड़ा सा इसी अगर करना चाहे तो इसी पे कर दें आप, इसी ऑयल पे जो हल्का सा वो। अच्छा इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि दो हम बन रहे हैं, जी जी इसको हम बाद में फ्राई कर लेंगे। ओके क्योंकि हमें जब तक इसको कंप्लीट करना है हम इसको डन करेंगे। और इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप चंदा? क्या इसी के साइड में अगर हम दूसरा पैन लेना चाहे इसके ऊपर क्या क्या लगेगा? इसके ऊपर लगेंगे सॉसेस, ये सॉसेस मैं बना के लेकर आई हूँ। यस Okay. इसमें आप मेयोनीज डाल सकते हैं, आप केचप ले लीजिए ठीक है, सॉल्ट डालिए, व्हाइट पेपर डालिए आप, और जैसे कि चिली फ्लेक्स डाल दें, ये सारी चीजें। ये बिना उसके कर लूं मैं किसके? या ये पहले रखना है उसके बाद करना जी, जी। okay, वो वाला जो अगर हो जाए तो उसको देख लूं। अच्छा पहले इसके ऊपर कुछ पेस्ट नहीं लगाना, पहले डायरेक्ट बर्गर रखना है हल्का सा क्योंकि इसमें ऑयल ऑलरेडी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके डन हो गया। अच्छा इसको बिल्कुल स्लो 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 उस पर हम थोड़ा सा। अच्छा सारा ये बताओ कि जब हम लोग कोई भी कुकिंग करने की कोशिश करते हैं, जब आपने कोर्सेज वगैरह भी किए तो आपने जब घर में बनाना शुरू किया तो आपको कब लगा कि यार मुझे अब इसको प्रोफेशनली इस फील्ड को ज्वाइन करना? मेरे शुरू से वैसे शौक था कि जो है मैं ये सब करूं, लेकिन एक होता है ना एक चांस मिलने की बात होती है, जैसे आपने चांस दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन होंगी, स्किल्स वुमेन होंगी, हम उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे आगे। और दुआ है अल्लाह पाक और आगे जाओ और चैनल्स पे नज़र आओ और अपना बड़ा काम दिखाओ ताकि आपको जो है लोग अप्रिशिएट करें, फ़ायदा हो लोगों को। तो हमेशा दूसरे की फायदे की सोचें तो इंशाल्लाह। रेसिपी इसीलिए हम शेफ शेयर करते हैं ताकि आप लोग घर बैठे अच्छे से अच्छा खाना आप आराम से और अच्छी हाइजीन के साथ बना सकें। गुड गुड ये एक अच्छी। और पता कितनी सारी बच्चियां आपको देख रही होंगी और जिनको शौक होगा वो अगर नहीं बाहर निकल सकती तो वो घर पर भी बहुत ऑनलाइन मतलब अपना वर्क प्रेजेंट कर सकती हैं। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मम्मा कितनी खुश होती होंगी आपको देख के। क्या नाम है? शाहीन। कैसी हैं आप मैम? और आपकी बेटी बहुत प्यारी है और बहुत प्यारा काम कर रही है, थोड़ा सा हेजिटेट होती है लेकिन हमारी छोटी बहन है तो हम इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ये आगे जितना ज़बरदस्त, क्योंकि इन्होंने जब भी कोई डिश बनाई है नो डाउट सारा मैं सच कह रही हूँ, ऑन एयर होने की बात नहीं है,
आप जब चले भी जाते हो तो मैं आपकी तारीफ ही करती हूँ, और वैसे जब कहती हूँ आप तो आ जाती है। तो मैं यहीं पे पैन पे कर लेती हूँ। किसी दिन चलते हैं हम लोग आपके साथ, दोनों मिलके दोनों मिलके नहीं, टीम भी साथ है। हम लोग कहीं आउटडोर डिफरेंट हमारे शहरों में बलूचिस्तान है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ खाने बड़े जबरदस्त बनते, उन होटल्स में चलते हैं, कैसा है, मजा आएगा। ओह चलो जी सही है, सारा मेरे साथ है। और ये कुकिंग करेंगे, उन होटल वालों को कहेंगे प्लीज आप साइड पर हो जाइए, कढ़ाई मुझे दे दें, अब मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है सारा, और हम चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और ओके नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफकोर्स जो टूर करते हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा जो है अच्छे रेस्टोरेंट आते हैं और उनके खाने भी बने लजीज होते हैं, ऐसा नहीं है हम किसी को बैड नहीं कह सकते। ओके अब हम इस पे अपने सॉसेस लगाएंगे, ठीक है, ये हो गए जानी, हो गए ये स्पून से सपोर्ट से उठाओ, लड़की जलना मत, और उठा लिया यार, प्रैक्टिस है भाई इसे। जब तक हम एक और एक स्पून ले लो, ये लो इसी को लो ना, ये लो। ओके डन हो गया। अच्छा हम इसको लहसुन को साइड पे करते हैं, अब क्या क्या डलेगा, ये जैसे हमने इसमें लगा दिया, ठीक है जनाब, आप उसको गौर से देखें कैसे हम इसको अभी प्रेजेंट कर, हाँ नहीं इसको भी फिलहाल वहाँ रख दो ताकि इसको सही कैप्चर हो, इसको भी रख दो बाद में रख देना, क्योंकि हमें एक तो बन गया ना, हमें बाद में इसको और मजीद पका लेंगे, अभी ये सही तरह फोकस हो जाए। यस इसके बाद हमने जो सॉस मैं रेडी करके लाई थी, मैंने सॉस लिया, ठीक है, इसमें क्या क्या डाला है, छुपा छुपा के तो तुम लोग रखते हो, नहीं नहीं मैंने तो अभी बता दिया सॉस के कुछ भी इतना खास नहीं है, मेयोनीज है और जो है केचप डाला था, इसमें सॉल्ट था, वाइट पेपर था, चिली फ्लेक्स डाल दिया आपने, आप कुछ भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी के। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हमने बस यही पैटी उठा के पहले ये रख, ओके जो आपने खूबसूरत, यस गुड यार, अपने बच्चों को अपने घर में इस तरह, अभी तो बारिश भी चल रही है और खूबसूरती बढ़ गई है, वाह जबरदस्त, इसके ऊपर भी लगाओ ना यार, अच्छा जी सब लगेगा, नहीं अच्छा अच्छा लगाओगे जी, ओके ओ जबरदस्त, दैट्स गुड, दैट्स गुड, और फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे, दैट्स गुड, और फिर बाद में जैसे अपने हिसाब से जिसको जो सॉस लगा रहे हैं वो एक्स्ट्रा वो लगा देंगे, वो डिपेंड ऑन द टेस्ट, और इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी, वैसे तो लोगों को नहीं पसंद होता मस्टर्ड पेस्ट का ज्यादा, लेकिन मस्टर्ड पेस्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप लगा लेते हैं ना, हमें क्या प्रॉब्लम है यार, ये मुझे लग रहा है अभी बाकी आप लोगों ने, खुल नहीं रहा, ओह खुल गया खुल गया, मेरी बहन के हाथ से खुल गया, यस ओके ओके। अच्छा नाज़िन बिल्कुल अपने हल्के हाथों से, ये एकदम बॉटल टर्न नहीं हो, ठीक है ये देखिए जी, बस बस ठीक है, फ्लेवर के लिए हम नाज़िन को बता रहे हैं कि डिपेंड ऑन योर टेस्ट, जो लोगों को जो चीज पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं, ओके इसके बाद हम ये लगा दीजिए, ये हो गया बकरी, हनी इसके ऊपर ही रख दें, प्लेट के ऊपर एक बन गया जी, बस एक एक, नहीं इसे रहने दें, इसे रहने दें, ये प्लेट को ही खूबसूरत लग रही है, हम इसी को प्रेजेंट कर दें, ठीक है जी, दैट्स ओके, इसको हम अच्छे से लुक दे देंगे। आज फिर मुझे कप नहीं मिला विनस का, चले खैर कोई बात नहीं, ये मेरी बहन ने प्रेजेंटेबल भी कर दिया, दैट्स गुड, तो हम इस बर्गर का नाम है क्रिस्पी चिकन बर्गर, क्रिस्पी चिकन बर्गर इज रेडी, और ये एक और काम करेंगे हम, एक सेकेंड, अच्छा जी नाज़िन मैं आपको बता दूँ इसकी वो शेप भी, वो वाला बर्गर उठा के ला के दो ताकि हम जरा सा दिखा दें इसको, ताकि नाज़िन को पता चले कि हमने इसकी शेप क्या बनाई, ये हो गया साथ, कैसा है गुड हो गया, ये आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं चाहूँगी एक बार रिपीट कर दो, यस क्या क्या डाला था इसके अंदर, हमने डाला था इसमें जो चिकन थी हमने वो मिंस की थी, उसमें हमने डाला था सॉल्ट, वाइट पेपर, आप अपने उससे ऑरिगेनो, थाइम ये सब डाल सकते हैं, ठीक है पार्सले डाल लें, और उसके बाद हमने पेपरिका डाला था उसमें, उसके बाद या तो ब्रेड यूज़ कर लें या तो ब्रेड क्रम यूज़ कर लें, और सोया सॉस डालें, ग्रीन चिलीज डालें, आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं जिनको चीज़ पसंद है, और बाकी बस सोया सॉस, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ को कितनी
कोशिश करेंगे अच्छी सी चीज़ टेस्ट में तो अच्छी है, लेकिन ये आप अगर प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो और पर्सन का दिल करेगा कि खाएं वो। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी जान जी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।